है जहां इंदिरा गांधी कैनाल में चल रहे रीलाइनिंग व मरम्मत कार्यों का अवलोकन किसान मोर्चा के पदाधिकारियों ने किया। उन्होंने खोड़ा, खेदासरी व नन्यान में आरडी के पास चल रहे निर्माण कार्यों की गुणवत्ता देखी तथा मौके पर संतोषजनक व सही ढंग से काम होना पाया। आपको बता दें कि समय राजस्थान कैनाल में रीलाइनिंग व निर्माण मरम्मत कार्यों के चलते 60 दिनों की नहरबंदी चल रही है तथा निर्माण कार्य दिन रात जोरों पर है। गौरतलब है कि नन्यान में आरडी जाखड़ावाला, भैरूसरी व खेदासरी गांव के आसपास का एरिया सेमग्रस्त है और कैनाल से रिसाव होने के कारण उस क्षेत्र में दलदल आकर जमा हो जाता है जो सेम के रूप में उभर जाता है। इससे किसानों की खेती बर्बाद हो जाती है जिसके चलते किसान नहर के निर्माण कार्यों में विशेष नजर रखे हुए है। नहर के निर्माण काम में मौके पर मौजूद जल संसाधन विभाग के एसी राम सिंह ने भी किसान मोर्चा के पदाधिकारियों से वार्ता की और निर्माण कार्य की गुणवत्ता को लेकर उन्हें बधाई दी। एसी राम सिंह ने बताया कि नहर के निर्माण कार्यों की गुणवत्ता के लिए विभाग के AEN, JEN, XEN, SE व मुख्य अभियंता सहित 2 दर्जन से भी अधिक अधिकारी कर्मचारी नहर के निर्माण कार्यों पर दिन रात नजर रखे हुए हैं तथा नहर का निर्माण कार्य पूर्ण गुणवत्ता के साथ करवाया जा रहा है। ये कार्य 28 मई तक पानी आने से पहले पूरा कर लिया जाएगा। ये इंदिरा गांधी नहर परियोजना की जो है RD 168 से 71 का कार्य प्रगति पर चल रहा है और कार्य करीबन 70% पूर्ण हो चुका है और समय पर पूर्ण करवा देंगे और सभी ठेकेदारों के समय पर कार्य पूर्ण होने की संभावना है। फिर कौन से आरडी से कितने आरडी तक का काम चला? 168 से 171। 70% काम पूरा हो गया? 70% काम पूरा हो चुका है और समय अवधि में कार्य पूरा हो जाएगा। आज हम सेम पीड़ित गांव मेरा जाखड़ा वाली है तो वहाँ के 6 PSM के सरपंच रोशन लाल जी, हमारे पार्टी के जिला महामंत्री महावीर जी मेला, मेजर सिंह जी के साथ इंदिरा गांधी नहर का जो पुनर्निर्माण का कार्य हो रहा है उसके निरीक्षण के लिए 124 RD पे पहुँचे हैं और जगह जगह निरीक्षण कर रहे हैं, जिससे कि गुणवत्तापूर्ण कार्य होगा तो हमारी नहर में सीपेज नहीं होगा जिसकी वजह से सेम की समस्या समाप्त होगी और साथ में इस नहर में 18,000 क्यूसेक की क्षमता बढ़ेगी। तो उसी के लिए हम की थोड़ा सा ध्यान रखें, किसान के हित के लिए आज नहर पे देखने के लिए आए हैं और अब मौके पर आपसे रूबरू हो रहे हैं। इस समय हम 124 आरडी पे खड़े हैं, लेकिन एक बात तो मुझे देख के बहुत अच्छा खुशी हुई कि काम अच्छा चल रहा है, लेकिन यहाँ एसी साहब हैं जो यहाँ के राम सिंह जी मेघवाल साहब, वो हमें अचानक हमें आए, नहीं तो हमारी कोई सूचना थी, लेकिन वो हमें काम पर मौके पर तैयार खड़े मिले तो इससे मुझे बड़ा संतोष हुआ कि इस तरह से जब अधिकारी लोग जागरूक होकर इस गर्मी के 40 डिग्री 45 डिग्री तापमान में जब मौके पर खड़े रहते हैं तो उससे इनके JEN, AEN जो भी पूरी टीम है वो सचेत रहती है, मुस्तैद रहती है और अच्छा कार्य होता है। तो प्रशासन की तरफ से तो मुझे इस बात का संतोष मिला, राम सिंह जी को मैं किसानों की तरफ से धन्यवाद देना चाहूँगा कि वो मौके पर हमें तैयार मिले, बिना सूचना के वो अपनी गाड़ी से यहाँ निरीक्षण करते हुए घूम रहे थे। दूसरा, हमने अभी निरीक्षण किया है तो कागज वगैरह की जो फॉर्मेलिटीज, जो इनके नॉर्म्स हैं वो पूरे हो रहे हैं और अभी जगह दूसरी जगह हम और देखेंगे, कोई कमी होगी तो सिंचाई विभाग के अधिकारियों को बताएंगे सुधार करें। हमारा यहाँ आने का मतलब किसी को भयभीत करना नहीं, न किसी कार्यकारी एजेंसी को, किसी अधिकारी को, क्योंकि इस कोरोना काल की विपरीत परिस्थिति में वो लोग काम कर रहे हैं। तो हमारा कोई ऐसा मकसद नहीं है कि नजायज रूप से किसी को कोई ब्लैकमेल करे या किसी के प्रति कोई गलत भावना रखे, ऐसा नहीं है। हमारा एक ही उद्देश्य है कि ये किसान जीवनदायिनी है, ये नहर किसानों की माँ है, इसमें काम अच्छा होना चाहिए। अगर काम अच्छा होगा तो ये एरिया में समृद्धि होगी, अपने राजस्थान में समृद्धि होगी और ये पूरा सिंचित एरिया समृद्ध होगा। तो हमारा यही मकसद है, इसी मकसद के साथ हम नहरों का निरीक्षण कर रहे हैं, आज शुरू किया है। पहले कोरोना काल की वजह से हम नहीं आ पाए और अब दोबारा हम जगह जगह हमारे किसानों के साथ हमारी टीमें निरीक्षण कर रही है। किसी भी ठेकेदार को, किसी भी अधिकारी को अनावश्यक भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, वो अपनी मुस्तैदी से अच्छा कार्य कराएं, नॉर्म्स के अनुरूप कार्य कराएं तो हम भी सहयोग करेंगे और वो हमारा ही काम कार्य कर रहे हैं। जानबूझकर भ्रष्टाचार के वशीभूत होकर कोई गलत काम करेगा तो उसको नतीजा भुगतना पड़ेगा। सर कहाँ का निरीक्षण किया है? कहाँ का निरीक्षण किया है? हमने अभी 124 आरडी खोडा जो गांव है उसके पास से 136 आरडी तक निरीक्षण कर रहे हैं। इसके बाद हम जो टिब्बी सूरावाला या हरियाणा साइड है उस साइड में हमारे जो नज़दीक में दूसरे किसान साथी हमारे हैं उनको बुला के हम निरीक्षण कर रहे हैं और अलग अलग टीमें हमारी लगी हुई। ये अपने IGNP में राजस्थान फीडर हरियाणा पोर्शन में काम, हरियाणा पोर्शन से 520 आरडी से 555 इस साल 30 दिन की बंदी पर राजस्थान के इंजीनियर द्वारा करवाया जा रहा है।
और ये 27 तारीख तक कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में अपने राजस्थान में 555 आरडीसी 673 राजस्थान फीडर का काम बीच बीच में पहले किया हुआ है, बाकी पूरा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में 0 आरडीसी मशीसा वाली हट से 200 आरडी तक, उसके बीच में बेड लाइनिंग कहीं साइड लाइनिंग तक वाली हट से 72 आरडी से लेके 94 आरडी तक कम्प्लीट लाइनिंग करवा रहे हैं। और ये हमारे राजस्थान के इंजीनियर्स और कोरोना गाइडलाइन के तहत सारे इंजीनियर्स जेईएन से लेके चीफ इंजीनियर तक सारे साइट पर रह के मजबूती के साथ और इनका काम करवा रहे हैं। और ये अभी आने वाले 28 तारीख तक अपना क्लोजर है, उस फीडर के बीच में पूरे पूरी संभावना है पूरा होने की। सर आप मौका निरीक्षण कर रहे हैं, काम की क्वालिटी कैसे है? क्वालिटी बहुत ही बढ़िया है, मौके पर जेईएन रहता है, आईएन रहता है, एक्शन रहता है। और मैं बीच बीच में ऐसे मेरी वो साइटें जिसे दिन हो या रात हो हम दस्त करते रहते हैं, साइटें तय करते हैं। इसके साथ ही मेरे जैसे 2-3 अधीक्षण अभियंता और लगा रखे हैं, उनके एक्शंस भी हैं, जेईएंस भी हैं, सारे के सारे एक दूसरे की कोऑपरेट करते हुए जेईएंस के साथ में कोरोना गाइडलाइन की ध्यान में रखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग रखते हुए ये काम करवा रहे हैं।